आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है गिनती की पुस्तक 15वां अध्याय वचन 1 से 21। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुंचो जो मैं तुम्हें देता हूँ, और यहोवा के लिए क्या होम बलि क्या मेल बलि कोई हव्य चढ़ाओ, चाहे वह विशेष मन्नत पूरी करने का हो, चाहे स्वेच्छा बलि का हो, चाहे तुम्हारे नियत समयों में का हो, या चाहे वह गाय बैल चाहे भेड़ बकरियों में का हो, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, तब उस होम बलि या मेल बलि के संग भेड़ के बच्चे पीछे यहोवा के लिए चौथाई हीन तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना, और चौथाई हीन दाखमधु अर्घ करके देना, और मेढ़े पीछे तिहाई हीन तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना, और उसका अर्घ यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला तिहाई हीन दाखमधु देना। और जब तू यहोवा को होम बलि या किसी विशेष मन्नत पूरी करने के लिए बलि या मेल बलि करके बछड़ा चढ़ाए, तब बछड़े का चढ़ाने वाला उसके संग आधा हीन तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाए, और उसका अर्घ आधा हीन दाखमधु चढ़ाए, वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य होगा। एक एक बछड़े या मेढ़े या भेड़ के बच्चे या बकरी के बच्चे के साथ इसी रीति चढ़ावा चढ़ाया जाए। तुम्हारे बलि पशुओं की जितनी गिनती हो उसी गिनती के अनुसार एक एक के साथ ऐसा ही किया करना। जितने देशी हो वे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य चढ़ाते समय ये काम इसी रीति से किया करे। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे संग रहता हो या तुम्हारी किसी पीढ़ी में तुम्हारे बीच कोई रहने वाला हो और वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य चढ़ाना चाहे, तो जिस प्रकार तुम करोगे उसी प्रकार वह भी करे। मंडली के लिए अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही विधि हो। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह सदा की विधि ठहरे कि जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहोवा के लिए ठहरता है। तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशियों के लिए एक ही व्यवस्था और एक ही नियम है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों को मेरा यह वचन सुना कि जब तुम उस देश में पहुंचो जहां मैं तुमको लिए जाता हूं और उस देश की उपज का अन्न खाओ, तब यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट चढ़ाया करो। अपने पहले गूथे हुए आटे की एक पपड़ी उठाई हुई भेंट करके यहोवा के लिए चढ़ाना। जैसे तुम खलिहान में से उठाई हुई भेंट चढ़ाओगे वैसे ही उसको भी उठाया करना। अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने पहले गूंथे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट दिया करना।